भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे प्रदेश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार की अलसुबह स्वच्छता अभियान चलाकर श्री गुरु नानक देव जी सरोवर नेहरू नगर में साफ सफाई की गई एवं सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय एवं प्रदेश संयोजक स्वच्छ भारत अभियान के शंभू गुप्ता के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय पखवाड़ा पूरे प्रदेश भर में 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर में कई बिंदुओं पर कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सुबह सवेरे भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला की स्वच्छता प्रकोष्ठ की टीम श्री गुरु नानक देव सरोवर नेहरू नगर पहुंची और वहां अस्त व्यस्त पड़े सरोवर के साथ शिव मंदिर एवं उद्यान को साफ किया। सफाई अभियान चलता देख उद्यान में सुबह सैर सपाटा करने आए लोग भी इस अभियान में अपना सहयोग देने लगे। साफ सफाई करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के स्वच्छता प्रकोष्ठ के द्वारा सफाई मित्रों का स्वागत सम्मान भी किया गया और उनका हौसला बढ़ाकर और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे भी उपस्थित हुए और सफाई अभियान में स्वच्छता टीम का हाथ बटाया। कार्यक्रम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता प्रकोष्ठ के जिला भिलाई इकाई के संयोजक विनोद कुमार देवांगन एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे ने मीडिया को दी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय प्रधानमंत्री, उनका ये एक लक्ष्य है कि हमारा देश स्वच्छ हो और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रकोष्ठ का भी गठन है। माननीय देवांगन जी उसके अध्यक्ष हैं और गायन हमारी चंद्रश्वरी जी इस वार्ड की पार्षद है, जयप्रकाश भाई हमारे पूर्व पार्षद हैं और हमारे तमाम जितने भी वरिष्ठ जन हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष माननीय जयपाल जी, हम सभी लोगों ने मिलकर के विशेष करके सार्वजनिक स्थानों पर माननीय मुकेश जी हैं हमारे वो भी पार्षद हैं, इन वार्ड में जो सार्वजनिक स्थल स्थलों पर अव्यवस्था तो देखिए बहुत ज़्यादा है। सार्वजनिक स्थल भी साफ सुथरे नहीं है तो घरों की बात तो हम छोड़ दें, तो हम लोगों ने आज यह बीड़ा उठाया है स्वच्छता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कि जाकर के सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा करें, उनकी व्यवस्थाओं पर भी हम लोग नज़र रखें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, अभी सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत हम लोगों का 7 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में ये कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत आज 18 अप्रैल को स्वच्छता का एक कार्यक्रम रखे हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों के अनुसार, और तालाब मंदिर और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना और माननीय मोदी जी के द्वारा बताए हुए मार्गों पे चलना है हमको। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत किए जाने वाले कार्यों में आम जनमानस का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, जिससे यह पखवाड़ा सफल होता भी नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।